हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कुमार मित्तल की बुक की बात करें तो चैप्टर वन आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर वन में जितने भी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न थे, उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपके चैप्टर वन कुमार मित्तल की बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है न्यूमेरिकल का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, या कोई भी सुझाव है, या कोई भी प्रश्न है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mpcenter। यहाँ पे आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। जो कंप्लीट नोट्स की डिमांड करते हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा, नोट्स वाले बच्चे भी यहाँ पे हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, न्यूमेरिकल का पीडीएफ दे दीजिए, वे सारे बच्चे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएँ। कंप्लीट क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के नोट्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ध्यान से आप समझेंगे, आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी। न्यूमेरिकल का जो डर आपके मन में बैठा हुआ है ना, अगर आप वीडियो बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखेंगे, वो डर आपका बिल्कुल निकल जाएगा। कितने इजी होते हैं न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपको हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम का ऋण आवेश होता है। कह रहा हम जानते हैं ई का मान कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश है, ध्यान से समझिएगा, अल्फा कण पर आवेश, ये आपको याद भी कर लेना है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है ना, वो +2 इलेक्ट्रॉन का होता है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹। ठीक है ना, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×2=32, यानी 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है। और ये जो आपका रिजल्ट आया है ना, अल्फा कण पर आवेश 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बहुत से सारे सवाल में इसका डायरेक्ट उपयोग किया जाएगा। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम का धन आवेश होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही इजिली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखिए क्या कर रहा है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। ऋण आवेश का मतलब क्या है जानते हैं, ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है, ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये बताइए। ये क्वेश्चन जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे वहां भी कराया था, कराए 1 कूलाम का ऋण आवेश है, आवेश का मान कितना दिया है, आवेश का मान दिया है 1 कूलाम। हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन को पूछ रहा है। किसी भी वस्तु पर आवेश की गणना हम किस सूत्र से करते हैं, q = n×e से करते हैं। क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, q/e। क्यू का मान रख दीजिए, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 1 कूलाम है। ठीक है ना, क्यू का मान कितना है, 1 कूलाम है, बट्टे ई। ई मतलब कितना, 1.6×10⁻¹⁹। ठीक है ना, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 10⁻¹⁹ बटे कितना है, 1.6। ध्यान से आप समझेंगे, कैलकुलेशन एकदम आसान है। हम लिख रहे हैं 1×10×10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹ था तो यहाँ 1 10 लिख दिया और 10⁻¹⁹ 18 1 19 हो जाएगा, बटे कितना, 1.6। 1.6 को 10 से काट देते हैं, ध्यान से समझिएगा, भाग दीजिए कितना आएगा, देखिए 16×96
ठीक है, 4 × 16 × 32, 8 × 16 = 80, काटेंगे तो इतना ही आएगा, इतनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलाम अगर ऋण आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻¹⁸ कूलाम का धन आवेश है, धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है ना। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो पहली बात हमें समझ में आ गए, क्या धन आवेश है, क्या है धन आवेश, चूंकि चालक धनावेश है, चालक क्या है धनावेश है, अतः चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो पहला चीज हमसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे, तो हमने बताया इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। हमें दिया है आवेश Q, Q इज इक्वल टू कितना दिया है 2.4 × 10⁻¹⁸। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने अभी अभी आपको बताया Q बराबर होता है N इंटू E, यानी N बराबर क्या हो जाएगा Q के बटे E, बताइए N बराबर क्या हो जाएगा Q, Q का मान हमें पता है यहाँ पे 2.4 × 10⁻¹⁸ बटे E मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹। ध्यान से आप समझिएगा, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी, दशमलव दशमलव से कैंसिल, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/16। इधर 10⁻¹⁸ है, ये −19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, हम इसको काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4×6 = 24, 4×4 = 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, ध्यान से आप समझेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। क्या हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है n इज इक्वल टू 3/2, ध्यान से आप समझिएगा, इधर क्या है 10⁻¹⁸ + 19, यानी 19 में से 18 जाएगा, 10⁻¹ बचेगा, यानी n बराबर हो जाएगा 3/2 × 10, ये 2×5 = 10, यानी n इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, धन आवेश है, इसका मतलब है कि उस वस्तु पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, उस वस्तु पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री एकदम इजी सा क्वेश्चन था, Q बराबर N पे सारे सवाल लग रहे हैं, ठीक है ना। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था किसी भी वस्तु पर आवेश की जो गणना होती है वो Q बराबर N इंटू E वाले सूत्र से की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इसके खूब उपयोग हो रहे थे, आपने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ज्ञात कीजिए। कितना हलवा सवाल दिया है, क्यू बराबर हमसे क्या कहा है 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलाम, इतना आवेश है, ठीक है, इतना धनावेशित करना है, तो धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकाले, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रही है। कितना आसान सा सवाल, हमने अभी आपको बताया n बराबर क्या होता है q/E, देख लीजिए n बराबर क्या होता है q/E, तो n का फॉर्मूला, n का मान निकालिए, q कितना है 4.8 × 10⁻¹⁹। अब ये E का मान मत खोजिए कि E कहाँ दिया है, E जानते हैं मूल आवेश है, और मूल आवेश पर कितने आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, बताइए 10⁻¹⁹ −19 से कैंसिल, ये दशमलव दशमलव से कैंसिल, 16³ = 48, यानी N का मान कितना आ गया, N का मान आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, यानी वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए,
तीन इलेक्ट्रॉन उस चालक से निकालिए, उस पर कितना धनावेश आ जाएगा, 4.8×10⁻¹⁹ कूलम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लोग नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 7N14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझिएगा। हमने पढ़ा है Q बराबर होता है N into E और Q बराबर होता है Z into E, ये भी जानते रहिए। Q बराबर Z into E होता है, जहां Z क्या है, Z होता है परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना, Z क्या है आपका परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना, Z आपका है परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, Z क्या है परमाणु क्रमांक है। बता दीजिए, कह रहा है कि 7N14 पर कितने आवेश हैं, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Ne या Q बराबर Zd, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 7N14 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या परमाणु क्रमांक वाले सूत्र से रखेंगे तो और आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, तो 7×E मतलब कितना, 1.6×10⁻¹⁹। ठीक है ना, Q बराबर 16×7=112 होता है, 1 अंक पे 10 लगा दीजिए, 10⁻¹⁹। ठीक है ना, यहाँ पे इतना कूलम हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आंसर भी यहाँ पे यही दिया हुआ है। ठीक है ना, 11×2×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक, चलिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कराए कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अधिक है मतलब ऋणावेश है, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति मतलब धनावेश है कि ऋणावेश है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है इसलिए क्या है, ऋणावेश है, कूलम में आवेश की गणना कीजिए। बताइए कितना आसान सा सवाल है, चूंकि हम लिख रहे हैं, चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः चालक ऋण आवेशित होगा। चालक क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। ठीक है ना, ऋण आवेशित होगा। अब उस पे आवेश का मान कितना है निकाल लेते हैं। आवेश का मान कैसे निकालेंगे, Q बराबर N into E से। Q हमें नहीं दिया है, हमें N दिया है, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 1500। E हमें पता है मूल आवेश 1.6×10⁻¹⁹। ठीक है ना, अब गुणा कर देते हैं ध्यान से, 16×5=80, 16×5=80, 16×1=16, 8=24, 2 अंक 0 है बढ़ा दिया, 1 अंक पे 10 लगा दिया, 10⁻¹⁹। ठीक है, हम 10 इधर लेकर आते हैं, जब भी 10 आपका बाएं साइड आएगा तो घात में प्लस होगा, तो 10 देखिए यहाँ लगा है, हमें यहाँ लाना है, तो कितने अंक आएगा, 3 अंक आएगा, तो बाएं साइड आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो घात में +3 कर देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो 10 हम यहाँ लगाए, 2.4 आ जाएगा, बाकी सब 0 है, 0 की कहानी नहीं लिखी जाती है। कितने अंक इधर आया है, 3 अंक आया है, इसलिए हमने +3 कर दिया, यानी Q बराबर आपका आ जाएगा 2.4×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4×10⁻¹⁹ कूलम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कितने आसान, सब Q बराबर Ne वाले फार्मूला पर ही लग रहे हैं। ठीक है ना, तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की गणना क्यू बराबर एन ई से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कराए, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब धनावेश होगा। ठीक है ना, कराए इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए, तो प्रकृति तो हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब क्या है, धनावेश है। लिख रहे हैं, चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः चालक धनावेशित होगा। चालक कैसा होगा, धनावेशित होगा।
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेशित धनावेश को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को प्रदर्शित करता है। मात्रा, आवेश की मात्रा हमसे पूछ रहा है, तो आवेश की मात्रा Q बराबर N इंटू ई, क्यू है N, N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू ई, ई मतलब मूल आवेश 1.6×10⁻¹⁹, क्यू बराबर कितना हो जाएगा 16×5=80, ठीक है, 2 जीरो है बढ़ा दिया, एक अंक पे दशमलव है लगा दिया, 10⁻¹⁹। अब देखिए दशमलव हमें यहाँ लाना है, कितने अंक, 2 अंक, बाई साइड, इसलिए घात में क्या होगा, +2 होगा, ठीक है ना। 8 के उधर जितने भी कहानी है सब जीरो वाले हैं, तो जीरो को छोड़ते हैं, कितने अंक आया है, 2 अंक आया है, तो +2 कर दिया। क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8×10⁻¹⁷ कूलम, ठीक है, तो कितना धनावेश है 8×10⁻¹⁷ कूलम का, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन, इसमें कौन सा डाउट होगा यार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। हम जानते हैं शुद्ध जल का परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से, के बराबर कितना दिया है 81, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये भी आप जानते रहिए, ठीक है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना दिया है के, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान बताइए। निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहिए या सापेक्ष वैद्युतशीलता कहिए, एक ही चीज है, ठीक है। हमने आपको एक सूत्र बताया हुआ है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जानते हैं आसानी से, चीजें क्लियर हैं एकदम। जब हमने आपको कहा कूलम का नियम पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू बताइए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85×10⁻¹² कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा गया है, तो मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू की, के की वैल्यू कितनी है 81, के की वैल्यू कितनी है 81। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, गुणा करना है एप्सिलॉन, अब देखिए 8.85×81×10⁻¹², अब हम बगल में ही गुणा करके दिखा दे रहे हैं आपको, 8.85 का गुणा किस में कर रहे हैं 81 में, एक का गुणा करेंगे 1×5 8, 8×5=40, 8×64 64×4=68, 8×64 64×64=76 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे 5, 8, 8, 8, 16, ठीक है, एक अंक 2 अंक पे दशमलव है, हमने लगा दिया, ठीक है ना, यानी जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना जाएगा 716.85×10⁻¹², ठीक है ना, गुणा तो आपको आता है, गुणा एकदम आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 अंक बाएं साइड लेकर आए, 10 यहां लेकर आते हैं, तो बाएं साइड आता है तो घात में +2 होता है, जानते हैं ना, दाहिने साइड जाएगा तो -2, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.16085×10⁻¹² है, तो +2 हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना 7.16085×10⁻¹⁰, मात्रक लिखेंगे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 7.1685×10⁻¹⁰ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं सारे क्वेश्चंस एक पैटर्न के हैं, इजी हैं, ठीक है ना, आपके लेवल के बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपके लेवल के क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉन मतलब समान चार्ज है, समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, तो उसी प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है जबकि उनके बीच की दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया है, ये भी सवाल तो एकदम हुआ है, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं प्रोटॉनों पर आवेश का मान कितना होता है, 2 प्रोटॉन है, ध्यान से समझिएगा, यहां भी प्रोटॉन है, यहां भी प्रोटॉन है, ठीक है, Q1
और Q2 दोनों प्रोटॉन है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दिया है 4×10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है ना। यानी Q1 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस प्लस में होता है, तो 10⁻¹⁹ कूलम। ये Q1 है, Q2 भी क्या है, प्रोटॉन ही है, दूसरा वाला भी क्या है, प्रोटॉन ही है, यानी उस पर भी आवेश कितना होगा 1.6×10⁻¹⁹ कूलम का। डिस्टेंस R की वैल्यू कितनी दी है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस 4×10⁻¹⁵ मीटर दिया है। हमसे पूछा है दोनों के बीच कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, तो वैद्युत बल कहां से निकालेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4πε₀Q1Q2/r2, यही तो है कूलाम का नियम, कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का मान दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम का नियम। अब सारे वैल्यूज आपको पता है, वैल्यू रखिए, उत्तर पाइए, बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1/4πε₀ का मान 9×10⁻¹ होता है, ठीक है। क्यू वन मतलब पहला आवेश, 1.6×10⁻¹⁹, Q2 मतलब दूसरा आवेश, दूसरा आवेश भी प्रोटॉन है, दोनों पे सेम चार्ज, बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना दिया है 4×10⁻¹⁵, ध्यान से आप समझिएगा, 4×10⁻¹⁵ का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कितनी बार गुणा होगा, दो बार, तो हमने एक बार लिखा स्क्वायर है इसलिए दूसरी बार भी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो कितनी बार गुणा, दो बार होगा। ध्यान से इधर देखें, 4×16 = 0.4 आएगा, 4×16 = 0.4 आएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, F इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से आप समझिए, इधर 9 बचा है, ठीक है, इधर 0.4 बचा है, पहले हम अंक वाली वैल्यू को लिख रहे हैं, फिर 0.4 भी बचा है, दो जगह 0.4 0.4। अब घात वाले को लिखते हैं, इधर 10⁻¹ है, ठीक है, इधर 10⁻¹⁹ है, तो 10⁻¹⁹, ठीक है, ये -15 -15 ऊपर जाएगा, तो 10⁻+15+15 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ लीजिए। अब इधर देखिए, 4×16 = 144, 144 लिखेंगे, लेकिन कितने अंक पे दशमलव लगेगा, एक, दो, दो अंक पे दशमलव लगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, इधर देखिए 15 15 30 30 9 39, यानी 10⁻¹⁹ हुआ, अरे 9 15 15 30, 19 2 38, माइनस में कितना है, 38 है, यानी F इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.44×10⁻¹⁹ में से 38 जाएगा एक, एक मतलब 10, और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14.4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। यानी दोनों प्रोटॉनों के बीच जो 4×10⁻¹⁵ मीटर की दूरी पर थे, उनके बीच 14.4 न्यूटन का बल कार्य करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप आंसर भी देख सकते हैं, 14.4 न्यूटन का बल दोनों के बीच कार्य करेगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, मतलब एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 92 दिया है, ठीक है ना, अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, ठीक है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कण निकाला वो अल्फा कण इसकी इससे कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। सवाल ये कुछ ठीक ठाक है, ध्यान से आप समझिएगा, आसान सा सवाल है। सबसे पहले क्या कहा है, सबसे पहले कहा है कि 92U238 है, ये अल्फा कण निकाल रहा है, अल्फा कण निकाल रहा है, टूट रहा है, टूट के अल्फा कण निकाल रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने निकाल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, दो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो बचा कितना इसके पास, इसके पास बचा 90U238,
दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 90 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके अंदर हैं। अब कह रहा है ये और ये, इस पर आवेश कितना है पहले ये निकाल लेते हैं। ये और ये कितनी दूरी पर है, 9×10^-15 मीटर की दूरी पर है। अगर हम आपसे पूछे Q1, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक आवेश, यहां पे दूसरा आवेश, यहां कौन रखा हुआ है 90U238, ठीक है ना, और यहां क्या है +2 इलेक्ट्रॉन यानी अल्फा कण। दूरी कितना है 9×10^-15 मीटर का, ठीक है ना। अब ध्यान से आप समझिएगा Q1 मतलब इस पर आवेश, Q1 मतलब किस पर आवेश, इस वाले पर आवेश, Q2 मतलब किस पर आवेश, इस पर आवेश। तो Q1 क्या होता है N×E होता है, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है 90 इलेक्ट्रॉन है, E मतलब 1×10^-19, ठीक है ना। 90, 16×9=144, 16×9 कितना होता है 144, कितने अंक पर दशमलव लगेगा, कितने अंक पे दशमलव लगेगा, एक अंक पे दशमलव। अभी भी ये जीरो भी तो है, जीरो बढ़ा दिया, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, × 10^2 कितना है −19 कूलाम। आगे सॉल्व करेंगे जरूरत के हिसाब से। Q2 मतलब अल्फा कण पर आवेश, और अल्फा कण पर आवेश कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, 1×6×10^-19, यानी यहां सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3×2×10^-19 कूलाम। डिस्टेंस आर की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, ध्यान से आप समझिए, डिस्टेंस आर की वैल्यू 9×10^-15। हमसे पूछा है दोनों पर कितना बल कार्य करेगा, तो F इज इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0Q1Q2/r2, ठीक है। चलिए सबका मान रखते हैं, उत्तर लाते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, हमें पता है, कितना होता है 9×10^9, ठीक है ना, इतना होता है। Q1 मतलब पहले पर आवेश कितना है, कितना है 144×0 का तो कोई मतलब नहीं है, 10^-19। Q2 मतलब दूसरे पर आवेश, दूसरे पर आवेश कितना है 3×2×10^-19, ठीक है ना, बटे दूरी का स्क्वायर। अब दूरी कितना है 9×10^-15 है, 9×10^-15, अब स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब कितनी बार लिखा जाएगा, दो बार, इसलिए हमने इसको कितनी बार लिख दिया, दो बार लिख दिया। अब इसको कट पिट करते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं। 9 के पहाड़ा में 144 आएगा, 16×9=144 होता है, ये कट जाएगा, ठीक है ना। इधर देखिए, अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं, ये 9 इस 9 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, जो बचा है उसको लिख लीजिए। F इज इक्वल टू क्या बचा है, पहले अंक वाली वैल्यू, इधर 16 इधर 3.2 है, तो 16×3.2 हो जाएगा। ये 10^9 है, ओके, ये 10^-19 है, 10^-19 है, ऊपर और कुछ इसके अलावा नहीं बचा है। ये −15 ऊपर जाएंगे +15, ये भी माइनस ऊपर 15 ऊपर जाएंगे तो +15, तो 10^+15 और 10^+15 हो जाएगा। चले F की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर गुणा करिए 16×2=32, 16×3=48, 48×3=51, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। इधर देखिए, पहले प्लस वाले को जोड़िए, 15×2=30, 30×9=39, 10^39, इधर 19×38 −38 है, गुणा में घात जुड़ जाते हैं तो जोड़ दिया एकदम आसान। ध्यान से F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51.2×10 और 10 का गुणा कर दीजिए, F इज इक्वल टू कितना 512 न्यूटन, ठीक है ना, 512 न्यूटन। तो दोनों के बीच कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा, 512 न्यूटन। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, 512 न्यूटन का बल कार्य करेगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए कितने इजी इजी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल से नहीं डरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। कल के जैसा सेम सवाल है, कल भी ठीक इसी प्रकार का सवाल हमने किया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के मध्य वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कल हमने निकाला था।
आज भी इलेक्ट्रॉन की जगह केवल क्या दे दिया है, अल्फा कर दे दिया है। सवाल बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है ना, सवाल में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, दोनों अल्फा कण है, मतलब Q1 बराबर Q2 होगा और 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम का धनावेश होगा। डिस्टेंस R का मान दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में नहीं चाहिए, एंगस्ट्रॉन को किस में बदलना है, मीटर में, तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए 10⁻¹⁰ से गुणा कर दिया, ठीक है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालना है, ठीक है। F, F बराबर क्या होता है, हम लिख देते हैं वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, वैद्युत बल का सूत्र होता है F=1/4πε0Q1Q2/r², ठीक है। वैद्युत बल सी, गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुणा है, तो गुणा जब भी पूछेगा ना तो आपको अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात, कितना गुना है तो अनुपात निकाला करिए। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा हुआ है, वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको बताया गया है। यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल को हम एफ डैश से लिख रहे हैं, वो होता है जी M1/m2/r². M1 m2 क्या है, M1 m2 जो पार्टिकल है, यहां पार्टिकल कौन है, अल्फा कण है, तो M1 m2 अर्थात अल्फा कण का द्रव्यमान है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। हम लिखते हैं यहां पे Z की वैल्यू क्या है, Z बराबर होता है 6.7×10⁻¹⁰ और इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। M1 m2 मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6×10⁻²⁷ kg, ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा कण पर आवेश और अल्फा कण का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में भी इसकी वैल्यू नहीं दी रहती, बाकी सब की वैल्यू कैपिटल जी यूजी की वैल्यू सब दी रहेगी, लेकिन इसके वैल्यूज आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, गुना मतलब अनुपात निकालना है, ये जानते रहिए, ठीक है। तो F की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, F की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, ध्यान से देखिए, F की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, तो हम यहाँ पे F की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, F की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, F की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है F डैश मतलब यहाँ है, ठीक है ना, F डैश मतलब यहाँ है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अब ऊपर कर देते हैं, ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा G M1 m2/r², सबके वैल्यू रखिए, उत्तर पाइए, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम और इधर कर लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि F बटे F डैश थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ेगा, 1/4πε0 की वैल्यू बताइए, 9×10⁻¹⁹, ठीक है, Q1, अच्छा एक बात यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये R डैश इस R डैश से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो R डैश से कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ है, Q1 मतलब 3.2×10⁻¹⁹, Q2 भी मतलब कितना, 3.2×10⁻¹⁹ बटे
यहां पे क्या है जी एम वन एम टू, जी की वैल्यू यहां पे 6.7 गुणे 10 के घाते -11 और एम वन एम टू दोनों बराबर है, यानी एम वन की जगह भी लिखेंगे 6.6 गुणे 10 के घाते -27, एम टू की जगह भी लिखेंगे 6.6 गुणे 10 के घाते -27। अब यार इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है सॉल्व करना, और सॉल्व करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, मुश्किल मतलब कैलकुलेशन है। दसमलव दसमलव से कैंसिल, दसमलव दसमलव से क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये दसमलव इस दसमलव से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ बटे एफ डैश की जो वैल्यू आएगी, एफ बटे एफ डैश की जो वैल्यू आएगी, ऊपर क्या बचा हुआ है हमारे पास 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे, अच्छा कुछ कटपीट करते हैं, ये देखिए 2 से काटेंगे 16 × 32, इधर काटेंगे तो क्या आएगा 33 आएगा, ठीक है, इधर भी काटेंगे तो 16 आएगा, इधर काटेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है ना, और कुछ तो कटने वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखेंगे, 9 गुणे 10 के घाते 9, इधर कितना है 16 गुणे 10 के घाते, पहले ये 16 गुणे ये 16 लिख दिया, इधर 10 के घाते -19, 10 के घाते -38 हो जाएगा, ठीक है। बटे में कितना बचा हुआ है हमारे पास 6.7 गुणे ये 33 है, ठीक है, ये वाला भी कितना है 33 है, इधर -11, -27, -27, -27, -54 और -54 में -11 जोड़ेंगे तो -65 आ जाएगा, ठीक है, -65 आ जाएगा। अच्छा यहां से एक चीज कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 11 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक, चले f बटे f डैश की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर 16 गुणे 16 है, ओके, माइनस ये देखिए 10 के घाते 9 है, इधर -38 है, और ये -65 ऊपर जाएगा तो +65 हो जाएगा, ठीक है, बटे कितना है 6.7 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, अभी तक तो हम कैलकुलेशन से बचते आ रहे हैं, ठीक है, 11 का इसको काट दे क्या, 11 से इसको काट दे क्या, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा, 16 से इसको काटते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो यहां दसमलव बचेगा, 16 × 64, ठीक है, चलिए इसको लगभग, अब चलिए कितना बचेगा 16 × 64, 3 0 यानी 16 × 16 बचेगा, 4 0 यानी 16 8, लगभग इतनी बार जाएगा, ठीक है। एफ बटे, अच्छा यहां एफ डैश नहीं रहेगा, यहां पे एफ डैश नहीं रहेगा, एफ के बटे एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बटे इधर 65 9, ध्यान से 65 में 65 9 कितना हो जाएगा 74, और 74 में से 38 घटाना है, ये 65 9 74 74 -38 बटे कितना हो जाएगा 0.418 × 11 × 11, ठीक है, 11 का गुणा, अच्छा इस 11 को इसको काट देते हैं, 11 × 11 कितना बचेगा 5 0, 11 × 44 6 0, 11 × 55 बस करिए 1.45, ठीक है ना। यानी हमारे पास f बटे f डैश की जो वैल्यू आने वाली है कितना आएगी 1.45 गुणे, इधर घटाइए 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, ठीक है ना, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, इधर 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, यानी 10 के घाते 36 बटे 0.418 आ रहा है, ठीक है। 10 का इधर गुणा करा देते हैं, f के बटे f डैश करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना, अच्छा अभी 11 भी तो है, ध्यान से 1.45 बटे, ध्यान से 11 8 88, 11 × 11 11 8 19, 11 × 44 44 × 45, ठीक है ना, तो एक अंक पे दसमलव यहां हमने लगा दिया, 4.598 आएगा, ये 10 के घाते 36 है, लिख रहे हैं 10 के घाते 35, ठीक है, ध्यान से f बटे f डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे देखिए, अब इसको 10 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 14.5, 10 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, कितना आएगा 4.598, और इधर कितना बचा है 10 के घाते 35। अब देखिए 4 का भाग लगभग 14 में दिया जा रहा है,
तो ये कितनी बार जाएगा लगभग, लगभग 3.5 बार जाएगा, 4 का भाग 14 देंगे तो लगभग 3.5 बार कुछ समथिंग जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे 4.5 का भाग दे रहे हैं, एक्चुअली 4.5 का भाग दे रहे हैं, तो ये आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, भाग दे करके देख लीजिएगा, ये एग्जैक्ट इतना ही आएगा जितना उत्तर है, 3.158 × 10^35। आप देख डिवीजन दे करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही एग्जैक्ट आएगा, इससे इधर उधर नहीं आएगा। हमने बहुत कैलकुलेशन करने का प्रयास किया, अब यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, आपको अंजात करके ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, सवाल ईजी था, कैलकुलेशन ज़्यादा है, नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10^5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम मतलब धनावेश, ओके। यदि बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल, कितना आसान सा सवाल है यार, इतना सवाल लगाने के बाद ये सवाल अगर नहीं लगा पा रहे तो दिक्कत होगी। सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10^5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, दो है, दोनों पे 10^5 इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात चूंकि दोनों गोलों पर 10^5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 और Q2 बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या है, N × E, और N का मतलब क्या है आप जानते हैं, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 10^5, E मतलब 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक है ना। अब इधर Q1 इज इक्वल टू Q2 कितना हो जाएगा, 1.6 × 10^+5 − 19, 19 में से 5 जाएगा −14 कूलम, मतलब दोनों पर आवेश कितनी है, 1.6 × 10^-14 कूलम का आवेश, ठीक है। डिस्टेंस R की वैल्यू कितना दिया है, 1 मीटर, अतः वैद्युत बल कितना हो जाएगा, वैद्युत बल कितना होता है, F = 1/4 πε₀ × Q1 Q2/r²। कितना आसान सा क्वेश्चन है, F = 1/4 πε₀, यानी 9 × 10^9, ठीक है। Q1 मतलब पहला आवेश, 1.6 × 10^-19, Q2 मतलब दूसरा आवेश, 1.19 कहाँ है, ठीक है ना, कितना है, 10^-14 है, ठीक है ना, 1.6 × 10^-14, दूसरा आवेश भी 1.6 × 10^-14 ही है, बटे दूरी का स्क्वायर मतलब एक का भाग देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। F = कितना हो जाएगा, ध्यान से इधर देखिए, 9 × 16 का वर्ग 256 होता है, 16 का वर्ग कितना, 256, 2 अंक पे 10 लोग आ गया, 2.56 हो जाएगा। इधर देखिए −14 − 28 में से +9 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 10^-19, गुणा करा दीजिए बल आएगा, F = ठीक है, 6 × 9 = 54, 5 × 9 = 45, 5 × 50, ठीक है, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 23, कितने अंक पे 10 लोग लगेगा, 2, 10^-19 न्यूटन का, ठीक है। 1 अंक 10 लो हम बाएं साइड लेकर आते हैं, ठीक है ना, बाएं साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.304, एक प्लस होगा, बाएं साइड होता है तो प्लस होता है, जितने अंक आता है एक अंक का, इसलिए एक प्लस। F = कितना, 2.3 × 10^, बस इतना ही लिखे, 0.4 का कोई मतलब नहीं, आंसर भी नहीं दिया है, ठीक है ना, −18 न्यूटन, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं ऐसे सवालों को, नोट कर लीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, इजी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10^-9, 160/3 × 10^-9 कूलम आवेश है, और वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं,
वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, ओके वैद्युत बल आसानी से निकाल सकते हैं 1/4 πε0 q1 q2 r² से। यदि उन्हें तार से छड़ भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना होगा, ऐसा ही सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल हमने कराया था आपको। तार से जोड़ देने पर यानी स्पर्श करा देने पर क्या होता है, दोनों पर आवेश का जो मान होता है वो समान हो जाता है। ध्यान से कह, दो सूक्ष्म गोलों पर आवेश, पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहां पे दो दो कंडीशन आपको दे दिया है। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले वाले पर आवेश दिया है 80/3 × 10⁻¹⁹ कूलाम, दूसरे वाले पर आवेश दिया है 160/3 × 10⁻¹⁹ कूलाम, वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी इसको लिखेंगे तो 1 × 10⁻¹⁹ मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कराया कि इस कंडीशन में वैद्युत बल कितना होगा, मतलब पहले कंडीशन में F=1/4πε0 × Q1 Q2 r² सब वैल्यू रखिए। F=1/4πε0 का मान आपको पता है 9 × 10⁻¹ होता है, Q1 की वैल्यू यहाँ है 80/3 × 10⁻¹⁹, ठीक है, Q2 की वैल्यू 160/3 × 10⁻¹⁹, टोटल के बटे r का स्क्वायर, r मतलब 1 × 10⁻¹⁹, तो 10⁻¹ का 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻¹ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, ये देखिए 3 × 3 = 9 और ये 3 इस 3 से कैंसिल, ठीक है, बचा क्या हमारे पास, वो देखिए F=2 कितना है, इधर देखिए इधर 80 इधर 16 × 8, ठीक है 126 होगा क्या, ठीक है 1020 बढ़ा दिया, ठीक है ना, इधर 10⁻³, आप सब घात वाले को लिखिए, 10⁻³ ये +9 ये −19 ये −19, ठीक है ना, −19 ये −1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 10⁻³ +1 10⁻³ +1, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। F=2 कितना हो जाएगा, ध्यान से अब देखिए टी अभी रहने दीजिए, रहने देते हैं 10⁻³ −19 −19 −38 और इधर देखिए 9 × 10 = 11 में से 38 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा 27, 10⁻⁷ −27 आएगा। अब हमें दशमलव देखिए यहाँ लाना है, दशमलव यहाँ है, यहाँ से यहाँ लाना है, कितने अंक आएगा 4 अंक, किस साइड, बाएं साइड, तो +4 हो जाएगा, यानी 1.26 × 10⁻²− 27 +4, ठीक है F=2 कितना हो जाएगा 1.26 × 10⁻²− 23 न्यूटन का बल कार्य करेगा। पहली कंडीशन में कितना बल कार्य करेगा, 1.26 × 10⁻³ उत्तर दिया है, उत्तर में −3 है, कहीं हमने गलत किया है क्या, ओहो हो −19 नहीं है यार, कहाँ −19 लिख रहे हैं, ठीक है −19 नहीं है −9 है, −9 है, ठीक है ना, यहाँ भी कितना होगा माइनस, ये देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा इधर करेंगे, इधर हटियो यार, ठीक है कहाँ से, फिर ये −1 है, ठीक है ना, यहाँ पे भी हम करते हैं, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हल्का सा, ठीक है, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, केवल घात ही चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंजेज नहीं होगी, यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, चलिए देखिए इधर −9 है, तो −9 है, ओके ये −9 है, ठीक है इसका हमने इसमें गुणा करा दिया है ना, अच्छा ये +9 है, ठीक है ये +9 है और ये −9 है, ये वाला भी कितना हो जाएगा −9 हो जाएगा और −1 −1 ऊपर आएगा तो 10⁻³ +1 +1, ठीक है −9 + 9 से कैंसिल हो जाएगा 1 × 1 = 2 और इधर घटेगा तो 10⁻⁷ आएगा, ठीक है हमने 3 अंक दशमलव इधर लेकर आए, सॉरी 4 अंक लेकर आए तो +4 हो जाएगा, यानी घात में 10⁻⁻³ −3 न्यूटन आएगा, ठीक है ये राइट आंसर है,
ध्यान से, हमने 10 के घाते -19 हैबिट बन चुका है, -19 -9 दिया है, -19 लिख दिया है। ऐसे अधिकांश गलतियां मैं ऑफलाइन कोचिंग में करता हूं, ठीक है ना, वहां पे बच्चे तुरंत याद दिला देते हैं, तो यहां पे तो कोई है नहीं, लिख दिया जो लिख दिया, ठीक है। लाइव क्लास रहता, आपके कमेंट देखते तो वहां पे आपका सुधार कर लेते, फिर भी लिख लीजिए। अच्छा, आगे किसमें और क्वेश्चन दिया है, यदि उन्हें एक तार द्वारा छड़ भर के लिए संबंधित कर दे, तार से जोड़ने पर उस पर आवेश कितना हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कल भी आपको बताया था, तार से जोड़ने पर दोनों पर आवेश, तार से जोड़ने पर दोनों पर आवेश, जब आप दोनों को तार से जोड़ेंगे तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, दोनों पर आवेश बराबर हो जाएंगे, और दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2 हो जाएगा। Q1 मतलब कितना है, 80/3 गुणे 10 के घाते -9। Q2 मतलब कितना है, 160/3 गुणे 10 के घाते -9 बटे -9, 19 कहां लिख रहे हैं, बटे 2 हो जाएगा। ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए, Q1 Q2 दोनों पर आवेश बराबर है, 10 ये प्लस रहेगा, माइनस नहीं, ठीक है ना, ठीक है, यहां पे -9 ये प्लस। अब जोड़ लीजिए, 80/3 160/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240/3, ठीक है, 10 के घाते -9, ठीक है, बटे कितना है 2, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, 3/24 और ये इससे कैंसिल होगा, यानी कितना आ जाएगा, 40 गुणे 10 के घाते -9, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं -19 लिख दिया हूँ, -9 रहेगा, ठीक है, इतना कूलाम का आवेश दोनों पर कार्य करेगा, उतनी ही दूरी पर रखे हैं, मतलब उसमें कुछ भी हमने इधर उधर नहीं किया, दूरी वही रखना है। अब बल कितना होगा, अब बल कितना होगा, ध्यान से, अब बल कितना होगा, अब बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 9 गुणे 10 के घाते 9, Q1 पहले पे आवेश 40 गुणे 10 के घाते -9, Q2 दूसरे पर आवेश 40 गुणे 10 के घाते -9, दोनों पर आवेश क्या है, बराबर है, बटे R स्क्वायर मतलब 10 के घाते -1 का स्क्वायर, -1 मतलब दो बार गुणा करेंगे, ठीक है ना, -1, ये -9 +9 से कैंसिल, 4 × 16, ध्यान से देखेंगे, एकदम आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 × 16, 16 × 9 = 144, 4 × 16 = 144, 1020 बढ़ा दिया, क्या बचा है इधर, 10 के घाते -9, ठीक है ना, ये -1 -1 -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, हम इधर दशमलव लेकर आ रहे हैं, किस साइड, बाएं साइड, कितने अंक, 4 अंक, तो 1.44 गुणे 10 के घाते कितना हमारे पास है, ये -9 + 2 - 7, और 4 अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आए इसलिए +4 कर दिया। F इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.44 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। पहले कंडीशन में इतना बल कार्य कर रहा था, दूसरी कंडीशन में इतना बल कार्य कर रहा है, ठीक है, 1.44 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन, ठीक है। आसान सा सवाल है, एकदम नॉर्मल सवाल, कोई भी दम लगाने वाला सवाल नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हाइपर होना है, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेना है, एकदम नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल सा काम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा अलग से दिमाग लगाने वाले सवाल नहीं, अपने यहाँ IIT JEE नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल आएंगे, कर लेंगे आप। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों आवेशों का योग इतना है, अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। सवाल सरल है, लंबा थोड़ा सा जाएगा, एकदम आसानी से हम आपको बताते हैं, ध्यान से आप देखिएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो धनावेशों के बीच की दूरी R इज इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर को लिख सकते हैं 10 के घाते -1 मीटर, ठीक है, और एक का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो 10 के घाते -1 मीटर
0.1 को लिखा जा सकता है। 18 न्यूटन के बल से, यहां बल का मान दिया है कितना, 18 न्यूटन, ठीक है। यदि दोनों आवेशों का योग, अर्थात आपको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दिया है कितना माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम दिया है, ठीक। तो उनके अलग अलग मान बताइए, मतलब हमें Q1 का मान निकालना है और Q2 का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, सवाल एकदम इजी है, इजी तरीके से लगाया भी जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, F = फार्मूला हम जानते हैं, चूंकि बल दिया है तो बल का फार्मूला लगा रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 / r2। F की वैल्यू कितनी है, 18 न्यूटन। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9×10^9, ठीक है, 9×10^9। Q1 Q2 की वैल्यू हमें एक्चुअली पता नहीं है, इसलिए मान नहीं रख रहे हैं। आर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, 10^-1 है, स्क्वायर है मतलब कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, ओके। यहां पे ध्यान से आप देखेंगे, 9×18 कट रहा है, 9×18 कट रहा है, इधर क्या आया, 2 आया। 10^-1 -1 -2 -1 -1 -2 -2 ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, यानी 9+2 हो जाएगा, ठीक है। Q1 × Q2, यानी ध्यान से आप समझेंगे, Q1 × Q2 ये 9×2 = 11 गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी 2/11 2/10^11 कूलम्ब स्क्वायर आएगा, आवेश गुणे आवेश यानी कूलम्ब स्क्वायर है। देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए, 18 दिया था, 9×18 कर दिया, आसानी से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, Q1 × Q2 की वैल्यू हमें पता चल गई कितना, 2/10^11 कूलम्ब स्क्वायर है। आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमसे कहा है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम्ब है, हमें क्या दिया है, Q1 + Q2 कितना, 9 माइक्रो कूलम्ब, हमें माइक्रो कूलम्ब में नहीं चाहिए, हमें कूलम्ब में चाहिए, तो माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब में बदलने के लिए 10^-6 से गुणा करते हैं, कूलम्ब में हो गया। अब कह रहा है ध्यान से, Q1 + Q2 का, हमें Q1 Q2 चाहिए, ध्यान से आप समझेंगे, जैसे यहां Q1 + Q2 दिया है, अगर किसी भी प्रकार से, अब यहां पर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम किसी भी प्रकार से Q1 - Q2 निकाल लें तो दोनों को जोड़ देंगे, Q1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी Q1 + Q2 दिया है तो हमें क्या चाहिए, Q1 - Q2 चाहिए, Q1 - Q2। अब देखिए, एक तरीका यहां से और हो सकता है, जो मैथ के बच्चे वो आसानी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से Q1 की वैल्यू निकालेंगे, Q1 की वैल्यू निकाल करके यहां रख देंगे, इजिली आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब Q1 - Q2 कैसे निकलेगा, एक मैथ का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4Q1 Q2, ये Q1 - Q2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैथ के बच्चे बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं, दोनों पक्षों को तोड़िए, देखिए लेफ्ट राइट के बराबर आएगा, एकदम नॉर्मल सा है, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, हम मान के चलते हैं। अब ध्यान से आप समझिए, हमें क्या चाहिए, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2, और Q1 + Q2 की वैल्यू यहाँ है, कहाँ है, 9×10^-6 का होल स्क्वायर, -4Q1 × Q2, Q1 × Q2 की वैल्यू यहाँ है, कितना है, 2×10^11, ठीक है, 2×10^11। अब इसको सॉल्व करिए, Q1 - Q2 की वैल्यू आएगी, Q1 - Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से Q1 - Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10^-6 का स्क्वायर करेंगे 10^-12, 4×2 = 8, और ये 10^+11 ऊपर जाएगा 10^-11 हो जाएगा, 10^+11 ऊपर गया, क्या हो गया, -11। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, ये 10^-12 है,
तो इसको भी 10 के घाते माइनस 12 बनाइए, तभी साल्व हो सकता है, नहीं तो साल्व नहीं होगा। अगर घात सेम नहीं है तो साल्व करना संभव नहीं है। यहाँ 10 के घाते माइनस 12, तो यहाँ भी 10 के घाते माइनस 12 बनाइए। तो इसको हम 10 के घाते माइनस 12 बना रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। ये 8 है, इसमें हम 10 का गुणा भी कर दिए और 10 का भाग भी कर दिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 10 का गुणा भी कर दिए, 10 का भाग भी कर दिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 गुणे 10 के घाते माइनस 12, 8 दहा में 80, ये 10 के घाते प्लस 1 ऊपर जाएगा तो 10 के घाते कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 11 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये भी माइनस 12, ये भी माइनस 12, कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कॉमन लेंगे तो 81 माइनस 80 गुणे 10 के घाते कितना माइनस 12। अब यहाँ पे घटा दीजिए, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 1 गुणे 10 के घाते माइनस 12। ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट में होगा, यानी Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 गुणे 10 के घाते माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 के घाते, एक बाहर निकलेगा एक, ठीक है ना, और चलिए लिख देते हैं उसको भी लिख देते हैं, ठीक है उसको भी लिख देते हैं, एक बाहर निकला एक और 10 के घाते माइनस बाहर निकला 10 के घाते माइनस 6, 10 के घाते माइनस 6 कुलाम अगर आप हटा दीजिए तो 10 के घात सॉरी माइनस 6 हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 के घाते माइनस 6 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइक्रो कुलाम हो जाएगा, माइक्रो कुलाम, 10 के घाते माइनस 6 हटा दिए तो क्या बन गया माइक्रो कुलाम। ये इक्वेशन नंबर क्या बना 2, मेन इक्वेशन हमारे पास यहाँ है, ये इक्वेशन नंबर ए बोलिए और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए, एकदम आसानी से बच्चों वाला सवाल अब है, अब तो बच्चे भी इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको a प्लस बी पता है, a माइनस बी भी पता है, तो a और b का मान निकाल लेंगे। क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं हम, इधर हम देख लेते हैं ध्यान से, समीकरण समीकरण a प्लस समीकरण b, समीकरण ए और समीकरण बी को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते कैसे, लेफ्ट लेफ्ट के साथ जोड़ता है, राइट राइट के साथ जोड़ता है, तो Q1 प्लस Q2 इसका लेफ्ट लेते हैं तो Q1 माइनस Q2। अब राइट को राइट के साथ जोड़ेंगे, उधर राइट है 9 और इधर में राइट है 1, ठीक है 1, Q2 से कैंसिल, Q1 कितने Q1 2Q1 बराबर 9 1 10 2 5 10, यानी Q1 की जो वैल्यू आ रही है वो 5 माइक्रो कुलाम आ रही है। यदि Q1 5 माइक्रो कुलाम, Q1 5 माइक्रो कुलाम, तो 5 माइक्रो कुलाम में कितना जोड़ दे कि 9 माइक्रो कुलाम आ जाए, तो आप कहेंगे 4, यानी Q2 कितना है 4 है, Q2 कितना है 4 है, यानी Q2 की जो वैल्यू है वो 4 माइक्रो कुलाम है, ठीक है। Q1 5 माइक्रोकुलाम, Q2 4 माइक्रोकुलाम, इम्पॉर्टेंट है ये आपका फार्मूला, फार्मूला पता है ना तो इजीली आप कर पाएंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। एक और तरीका है, आप यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालिए, Q1 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, Q2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा। ये हमें सूटेबल तरीका लगता है, आसानी से समझ में भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इस तरीके में, इसलिए हम बार बार यही तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी नोट कर लीजिए आप लोग, आसानी से कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4×10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5×3×10⁻⁹ कूलम का आवेश है। आसान सा सवाल है, क्या कह रहा है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, यानी r बराबर आपको दिया है 1 मिलीमीटर, हमें मिलीमीटर में नहीं चाहिए मीटर में चाहिए, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब ये किस में बदल गया, मीटर में। कह रहा है कि इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, f का ये वैल्यू दिया है, कितना दिया है 4×10⁻⁵ न्यूटन,
ठीक है ना। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का चार गुना हो, मतलब अगर Q1 को आप Q लेंगे तो Q2 Q1 अर्थात Q का चार गुना होगा, 4Q हो जाएगा। अरे Q1 Q है तो Q2 उसका चार गुना, यानी Q का चार गुना कितना, 4Q है। ठीक है, आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है, N का मान निकालना है, और करा E जो है ना वो 5/3 × 10⁻¹⁹ कूलाम लेना है। अब क्यों लेना है, कुछ रहा होगा रीजन, कुछ कटेगा पीटेगा, इसलिए कह दिया है कितना ही लेना है आपको। चलिए ध्यान से, तरीका बिल्कुल आसान, एफ इज इक्वल टू क्या है, 1/4πε₀ आवेश क्यू वन क्यू टू बटे दूरी का स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε₀ 9×10⁻¹ क्यू वन, क्यू वन मतलब पहले पे चार्ज, पहले पे चार्ज कितना है Q, Q2 मतलब दूसरे पर चार्ज, दूसरे पर चार्ज कितना है, दूसरे पर चार्ज कितना है 4Q है। ठीक है, 4Q बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है 10⁻³, माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे मतलब दो बार लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, F की वैल्यू भी तो आप रख सकते हैं, F की भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, F की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, F की वैल्यू हमें दिया हुआ है, F की वैल्यू हमें दिया हुआ है 4×10⁻¹⁵। चले, F की भी वैल्यू हमने रख दिया है, सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से। हम कह रहे हैं इधर 4×10⁻¹ है, 4×10⁻¹ है, ओके। इधर 9×10⁻¹ है, 9×10⁻¹ है, ठीक है। उसके बाद अरे ये चार इस चार से कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये चार हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, चार चार से कैंसिल हो गया इसलिए हमने हटा दिया। अब देखिए इधर 9×10⁻¹, ओके, क्यू का गुणा क्यू में करेंगे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आएगा, ओके। ये 10⁻⁻⁶ - 3 - 6 ऊपर आएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, अब सारी चीजें उधर गुणा में है, इधर आएगी भाग में हो जाएगा। इधर देखिए 10⁻⁵ है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ध्यान से, आप देखिएगा बटे कितना है 9, ये 9 गुणा में इधर आएगा भाग में, ये 10⁻+9 और +6 + 15, इधर +15 आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर क्या है क्यू का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से अब कह रहे हैं कि ये -5 नीचे लेकर आइए, 10⁻⁵ नीचे लेकर आइए, तो 10⁻⁵ नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 9×10⁵⁵, ये -5 नीचे आएगा तो +5 बराबर क्या है क्यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, 1/9×10⁵⁵⁶ बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर है, तो ये पूरा राशि अंडर रूट में, अंडर रूट में 1/ कितना 9×10⁵⁶। अब ध्यान से आप समझेंगे, एक बाहर निकलेगा एक होगा, 9 बाहर निकलेगा 3 होगा, 10⁻⁶ बाहर निकलेगा 10⁻⁰ होगा। क्यू क्या है, क्यू क्या होता है, क्यू होता है n इंटू ई, क्यू बराबर क्या होता है n इंटू ई, और n की वैल्यू हमें निकालना है, e की वैल्यू हमें दिया है कितना, e की वैल्यू हमें दिया है 5/3×10⁻⁹ बराबर 1/3×10⁻⁻+10 है। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीन इस तीन से कैंसिल हो जाएगा, ये सब गुणा में उधर जाएगा भाग में, क्या बचेगा हमारे पास देखिए n इज इक्वल टू, ध्यान से केवल कैलकुलेशन ही तो है, इधर देखिए 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी 1/ इधर 10⁻⁶ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये 5 इधर आएगा भाग में, -19 भी आएगा भाग में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इजिली आ जाएगा आपका 1/5 10⁻⁰ -19 कितना हो जाएगा, -19 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -9 ऊपर लेकर चलिए तो 10⁻⁶ +9/ कितना हो जाएगा 5, 10⁻⁹ को लिख सकते हैं 10×10⁸ 5, 5×2 = 10, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2×10⁸ इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना आसान सा सवाल था, केवल कैलकुलेशन है यार ऐसे सवालों में, है
है क्या सवाल में? कुछ नहीं है। 2×10^8 इलेक्ट्रॉन पहले पे, तो दूसरे पे उसका 4 गुना, यानी 8×10^8 हो जाएगा। तो पहले पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2×10^8। दूसरे पे उसका 4 गुना, यानी 4 का गुणा कर देते हैं, 4×2 = 8×10^8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर भी दे सकते हैं, आसानी से आंसर आपका आ गया है, नोट कर लीजिए। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14, ये है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आज चलते हैं। कह रहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। चूंकि हमने अभी अभी आपको सवाल में ढेर सारे सवाल ऐसे करा चुके हैं, दोनों गोले रगड़ी जाती हैं, अर्थात स्पर्श कराए जाते हैं, रगड़ी जाती हैं अर्थात स्पर्श कराए जाते हैं। रगड़ना मतलब क्या है? स्पर्श करना, कराना, स्पर्श कराए जाते हैं। अतः दोनों पर आवेश समान होंगे। दोनों पर आवेश क्या होंगे? समान होंगे। दोनों पर आवेश क्या होंगे? समान होंगे। अतः Q1 बराबर होगा Q2 के, और हम इसको मान लेते हैं किसके बराबर है? क्योंकि Q1 Q2 दोनों किसके बराबर है? क्योंकि परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। R बराबर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10^-2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं? 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 0.1 अगर आप हटाना चाहते हैं तो 10^-1 न्यूटन भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। सूत्र आपने पढ़ रखा है 1/4πε0 × Q1 Q2/r² बताइए F मतलब कितना? 10^-1। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी? 9×10^9। Q1 मतलब पहला आवेश Q, Q2 दूसरा आवेश Q, क्योंकि रगड़े जाने पर आवेश क्या होता है? सेम। R² मतलब डिस्टेंस कितना है? 10^-2 स्क्वायर है, इसलिए कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 2 बार गुणा कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करिए, रिजल्ट लीजिए, कितना आसान है। ध्यान से, ये 10^-1 है। अब देखिए ये 9×10^9, चलिए अच्छे एक लाइन हम और बढ़ा लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 9×10^9 है ये है, 9×10^9 है ये है, ये -2 -2 -4 ऊपर जाएगा +4, तो हमने क्या कर दिया? +4। ठीक है, क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी कहानी इधर लेकर आइए, 10^-1 ओके, 9×9 = 13 हो जाएगा, घात में कितना है? 13, तो गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 10^13 भाग में हो जाएगा, बराबर क्या आएगा? क्यू स्क्वायर। 10^-1 नीचे लेकर आइए, तो क्यू स्क्वायर को पहले लिखते थे, इसको बाद में लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा? 1/9×10^13 है ये है, वो -1 आएगा तो +1। क्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 1 9×10^14। ठीक है, क्यू बराबर कितना हो जाएगा बताइए ध्यान से, 1 बाहर निकलेगा 1। अच्छा, क्यू हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है इसलिए हम क्यू बराबर क्या लिख रहे हैं? N×E। ठीक है, इधर 9 बाहर निकला 3, 10^14। N का मान रखिए, N का मान 1.6×10^-19 भी लिखा जा सकता है, और अभी इसके जस्ट पीछे वाले सवाल में दिया था 5/3, तो वही मान यहाँ भी रख रहे हैं। ठीक है ना, N नहीं है। ठीक है, N का तो मान निकालना, E का मान 1.6×10^-19 होता है, जस्ट पीछे वाले सवाल में 5/3 दिया था, वही मान रखते हैं, 3-3 से यहाँ कटने वाला है ना, इसीलिए 5/3×10^-19। ठीक है, बराबर कितना है? अच्छा, ये 10^-14 कहाँ से? 10^-14 नहीं आएगा, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 10^
ठीक है, अरे 10 की घात कितना आएगा, 7 आएगा, 14 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 7। ओके इधर देखिए ध्यान से, इधर कितना है 3 × 10⁻⁷ कितना 7। ओके अब यहां से 3 से कैंसिल, ठीक है ये सब गुणा में उधर जाएगा भाग में, एन बराबर कितना आएगा 1/5 × 10⁻⁹ - 19 और ये क्या है 10⁻⁷ + 7। ठीक है एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 × 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 19 में से 7 जाएगा 12 बचेगा, माइनस 12 ऊपर लेकर जाइए, एन इज इक्वल टू कितना होगा 1/5 × 10⁻⁰ + 12 और +12 को क्या लिख सकते हैं, +12 को लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹, 5×2 = 10 यानी एन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना 2×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है यहाँ पे 2.1 दिया है, किस लिए दिया है, इसलिए हमने 5/3 अपनी सुविधा के लिए रख लिया था, लेकिन आपको रखना था 1.6, ठीक है 1.6 रखेंगे तो एकदम राइट आंसर आपका 2.1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6×10⁻⁹ कूलम होता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 5/3 रख दिए हैं जो कि होता नहीं है, तो आप 1.6 रखेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है इसके आगे की जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 2 μC और 6 μC के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है दोनों में से प्रत्येक को -4 μC आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। चलिए ध्यान से देखिए सवाल आसान है, कह रहा है कि 2 μC और 6 μC के जो बिंदु आवेश है 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यहां 2 कंडीशन दिया है, सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, तो कंडीशन फर्स्ट में क्या है Q1 की वैल्यू दिया है 2 μC, हमें μC में जरूरत नहीं होती है, कूलम में बदलेंगे 10⁻⁶ से गुणा। Q2 मतलब होता है दूसरा आवेश, कितना दिया है 6 μC, हमें कूलम में बदलना है 10⁻⁶ से गुणा कर दिया। कितने बल से F = 12 N, हमें दूरी नहीं दिया है तो यहां से निकालेंगे डिस्टेंस, बाकी कहानी वहां करेंगे। ठीक है ना ध्यान से, तो F = क्या होता है, चूंकि F = 1/4πε₀Q1Q2/r2। देखिए थोड़ा ध्यान से आप काम करिए, आर स्क्वायर भाग में इधर आएगा गुणा में, यह गुणा में इधर आएगा भाग में, हम कह रहे हैं R² = ये आर स्क्वायर यहां, ये F यहां, तो 1/4πε₀Q1Q2/F हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। R² = 1/4πε₀ का मान 9×10⁻⁹, Q1 का मान कितना दिया है 2×10⁻⁶, Q2 का मान 6×10⁻⁶ बटे F, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 12, इधर देखिए 2×6 = 12, खत्म कहानी। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, हमें आर स्क्वायर का ही मान चाहिए 9 × इधर देखिए -6 - 12 में से +9 जाएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आएगा ध्यान से। अब क्या करा है सेकेंड कंडीशन में कि प्रत्येक को -4 μC का आवेश और दे दिया जाता है, दोनों आवेशों को ये सेकेंड कंडीशन है, दोनों आवेशों को -4 μC का आवेश देने पर उन पर आवेश कितना हो जाएगा, पहले वाले पर आवेश Q1 था तो हम मान लेते अब आवेश Q1 है, पहले उसके पास कितना था 2 μC, हमने उसको दिया कितना -4 μC, यानी उसके पास है कितना भी -2 μC। दूसरे पर आवेश कितना था Q2, कितना है 6 μC, हमने उसको अभी कितना दे दिया
माइनस चार माइक्रोकुलाम, यानी उसके पास कितना है, दो माइक्रोकुलाम का है। हमें माइक्रोकुलाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुलाम, तो ये 2×10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। चिन्ह से हमें कोई मतलब एक्चुअली है नहीं, क्योंकि जब भी बल निकालेंगे तो हमें परिमाण से मतलब है, ठीक है। ओके, अब आर स्क्वायर का मान तो पता ही है, अब पूछ रहा है कि अब कितना बल लगेगा, तो अब मान लेते हैं बल कितना लगेगा, एफ डैश लगेगा। सूत्र क्या है, 1/4πε0, दूरी वही है, जिस दूरी पर रखा गया है दूरी वही है। अब क्या हो जाएगा, q1′ × q2′/r² ठीक है, यानी f इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी, 9×10⁻⁹, q1′ की वैल्यू कितनी वहाँ है, कितना है? परिमाण से मतलब है, 2×10⁻⁶, q2 की वैल्यू कितनी, 2×10⁻⁶ बटे r² की वैल्यू यहाँ है कितना, 9×10⁻³, ठीक है, 9 से कैंसिल, सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आइए 2×2=4। ये देखिए 10⁻⁶ − 12 +9 − 3 बटे कितना है, 10⁻⁶ −3 − 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, F बराबर आएगा 4 न्यूटन। यानी अब कितना बल कार्य करेगा, 4 न्यूटन का, और कैसा बल होगा, चूंकि दोनों की प्रकृति सेम है इसलिए विपरीत है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप कहते हैं न्यूमेरिकल लगवाइए, न्यूमेरिकल लगवाइए, कितने ईजी न्यूमेरिकल्स हैं, एकदम आसानी से हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दिया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 17, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इन सभी क्वेश्चंस का जो PDF है, जितने भी सॉल्यूशन आपको कराए जा रहे हैं, इन सबको PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है @MPCenter। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID, ठीक है, @MPCenter, ठीक है, @MPCenter, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका डाउट लेकर के उसमें भी सवाल करा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं, ठीक है। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।